तो उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी की नजर महिला वोट बैंक पर टिक गई है। दरअसल भाजपाइयों का दावा है कि राज्य में बीजेपी को मातृशक्ति का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, इसी वजह से वो सत्ता में भी हैं और लोकसभा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब भी हैं। अब ऐसे में बीजेपी अपने मजबूत वोट बैंक को जोड़े रखने की कवायद में जुटी है। आधी आबादी का मसला है। वैसे उत्तराखंड में आधी आबादी मतदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन में भी अगर मातृशक्ति ना होती तो देश के मानचित्र पर उत्तराखंड राज्य शायद ही बन पाता। 2022 के चुनाव का हम जिक्र करें तो राज्य में करीब 65-66% के आसपास मतदान हुआ था 2022 में। तब उस वक्त करीब 68% महिलाओं ने वोट डाला था और पुरुषों की संख्या की बात करें तो करीब 63%, यानी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी। और यह ट्रेंड हमेशा से रहा है उत्तराखंड का। यहां की मातृशक्ति राजनीतिक लिहाज से भी बहुत जागरूक है। ऐसे में महिलाएं हर क्षेत्र में हर मामले में उत्तराखंड में आगे ही रही हैं। मगर कांग्रेस कह रही है कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। खैर, दावे दोनों तरफ से हैं, यानी नारी शक्ति पर सियासत जोरदार है। सवाल यह कि उत्तराखंड में महिलाएं किसके साथ है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में जुट भले ही गई हो, मगर इस बार सवाल ये है कि आखिरकार उत्तराखंड की महिला वोट बैंक यानी कि मातृशक्ति किसकी ताकत बनने जा रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई महिला वोट बैंक पर अपने अपने दावे कर रहा है। जैसे कि बीजेपी का दावा है कि सीएम धामी ने अब तक के अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड महिला समग्र विकास योजना, नंदा गौरी योजना, मुख्यमंत्री महिला लक्ष्मी योजना के साथ साथ कई योजनाएं महिलाओं के हित में लागू की हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का दावा यह भी है कि धामी के कार्यकाल में ही उन्होंने जो संकल्प लिया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, 30% का रिजर्वेशन भी दिया। जबकि कांग्रेस कानून व्यवस्था के बहाने ये साबित कर रही है कि उत्तराखंड में महिलाएं अब महफूज नहीं है, इसलिए महिला शक्ति उनके साथ खड़ी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए निरंतर प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी दिशा में हमने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण देकर लाभान्वित किया है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के सरकार के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं, और सरकार दावे तो बहुत कर रही है, विज्ञापनबाजी भी खूब कर रही है कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए, लेकिन वो कदम क्या है वो सरकार बता नहीं पा रही है। आप देखिए कि प्रदेश में बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की मातृशक्ति लगातार सड़क में उतर के आंदोलन कर रही है, डीआईपी का नाम उजागर करने की और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वैसे महिला वोट बैंक की बात करें तो निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर भी गौर फरमाते हैं। राज्य में करीब 81 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, यानी कि करीब 82 लाख, और इसमें करीब 40 लाख महिला वोटर हैं, यानी कि आधी आबादी। कुल मतदाताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा करीब 22.5 लाख के आसपास के वोटर 30 से 39 साल के बीच के हैं। ऐसे में सवाल ये कि महिलाओं का समर्थन बीजेपी या फिर कांग्रेस किसके साथ है,
आखिरकार कौन उत्तराखंड की पांचों सीटों को फतेह करेगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी जिसके साथ मातृशक्ति, उसके हाथ में वोट की ताकत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो किसके साथ नारी शक्ति, मातृशक्ति और उत्तराखंड की महिलाएं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के सियासत के लिहाज से इतर हम अपने मेहमानों की तरफ अगर रुख करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से भी नहीं, उत्तराखंड के लिहाज से भी उत्तराखंड की मातृशक्ति हमेशा से ही आंदोलनों में भी नेतृत्व करती रही। मसला सिर्फ उत्तराखंड आंदोलन तक सीमित नहीं है, चिपको आंदोलन राजनीतिक लिहाज से नहीं बल्कि सामाजिक लिहाज से भी उत्तराखंड की महिलाओं ने एक संदेश देने का काम किया है। और उत्तराखंड के साथ वैसे भी पीएम मोदी का रिश्ता नाता जिक्र किया जाता रहा है। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कुंवर जपेन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, सुनीता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस का चेहरा है, हेमा भंडारी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुंवर जपेन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कुंवर साहब को आवाज नहीं आ रही। सुनीता प्रकाश जी इस बार क्या प्लान है? ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से नारी शक्ति मातृशक्ति हमारा साथ देगी, दावा ये, आपकी क्या तैयारी है और क्यों उत्तराखंड की महिलाएं आपको वोट करें? तीरज जी सबसे पहले तो मैं आपको आज के इंडिया वॉइस के समस्त दर्शकों को नव रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और इसी के साथ साथ ये दुर्गा स्वरूपा हमारी गौरा देवी जी हो गई, तिरुरा देवी जी हो गई और हमारी आंदोलनकारी महिलाओं को अपना नमन करना चाहूंगी। और सच आपको कहना चाहूंगी कि हमारी हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं बिल्कुल अनोखी है, जो एक बार स्थान ले वो करके ही रहती हैं। और बहुत आप देखते हैं गाँव में तो सारा किसानी भी जो है महिलाएं करती हैं, तो समस्त नारी शक्ति को मेरा नमन। देखिए कहना चाहूंगी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। प्लीज थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिए। मैं देना चाहूंगी आपको कि देखिए जिस तरह से इस समय उत्तराखंड का जो माहौल जो है महिलाएं सच्ची सुरक्षित नहीं है। अंकिता भंडारी का केस आपके सामने नहीं है, बल्कि कितनी महिलाएं अभी कितनी मार मार के जिनको फेंका गया है सड़कों में, मंत्रियों के घर के आवास के बाहर, सच में ही जो है आज हमारी यहाँ की जो बेटियां हैं महिलाएं हैं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। और मेरे ख्याल से जनता हमारी जो महिला शक्ति है वो उसी की ही तरफ जाएगी जो उनको सुरक्षित महसूस कराएगा, जो उनकी आकांक्षाएं हैं सरकार से वो पूरा करेंगे। वो मेरे ख्याल से महिला बहुत समझदार है हमारी उत्तराखंड की महिला, तो वो उनके साथ जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ ये तो खैर मुद्दा रहा ना, आपको क्यों वोट करें? आपको मतलब कि कांग्रेस को क्यों वोट करें महिलाएं? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का जो साथ दिया है या जो सम्मान किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। नहीं, आप कैसे? पहली राष्ट्रपति हमारी रही है, पहली प्रधानमंत्री हमारी रही है, पहली लोकसभा। नहीं, नहीं, उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ ऐसा काम किया हो आपने महिलाओं के हित में वो मार्गदर्शन कर पाए तो। इंदिरा अम्मा जो हमने कैंटीन थी वो हमने महिलाओं को ही समर्पित थी। बहुत सारी हमारी ऐसी योजना है जो महिलाओं को समर्पित थी, जो आने के बाद भाजपा सरकार आने के बाद में उनको जो बंद कर दिया गया है। और दूसरी बात है जिस तरह से महिलाओं को कानून हमारी पार्टी सड़कों पर है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं कांग्रेस को जरूर वोट देंगी। कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि हमने लगातार मुद्दों को उठाया और महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और जनता इस बार हमारा साथ तो देंगी लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़कर हमारा साथ देंगी, दावा ये कर रहे हैं। आपके दावों पर हम क्यों यकीन करें कि आपने उत्तराखंड की महिलाओं के हित में कदम उठाए, जरा आप भी बताइए, फिर उसके बाद हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ। सवाल उत्तराखंड की महिलाओं के साथ साथ देश की महिलाओं का भी है।
अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का अगर थोड़ा सा डीपली अध्ययन करें तो पूरे देश के अंदर जब भी यूपीए की गवर्नमेंट रही है, इनके सहयोगी दलों की सरकारें राज्यों में रही हैं, तो वहां अपराध बढ़ चढ़ कर हुआ है और वो महिलाओं के साथ ही नहीं अन्य आम लोगों के साथ भी। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उत्तराखंड में तो जो कुछ हुआ है निश्चित तौर पर वो सबके सामने है, लेकिन पूरे देश के अंदर अगर आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते करती है। और यानी आप ये कह रहे हो कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और मातृशक्ति का जितना सम्मान उत्तराखंड के साथ साथ देश भर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते अत्यधिक रूप में हुआ है, जबकि बनिश्चय यूपीए बम। यानी आप ये दावा कर सकते हैं कि एक बार फिर से महिलाएं आपको वोट करेंगी, आप ये कह रहे हैं? जी, आप 2014 के बाद से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को राज्यों में और केंद्र में चुनने का श्रेय हमारी मातृशक्ति को जाता है, हमारी बहनों को जाता है, हमारे देश के उन नौनिहालों को जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और पॉलिसी मैटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बार बार भरोसा जताते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे। देखिए, जैसे पूछना चाहूंगी मैं कि आप अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दूसरा हमारी महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर में मुख्यमंत्री जी के ही उसमें आप जो है धरने पे बैठी रही, उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? आपसे महिलाएं बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए आपको जो है ये महिला भी लेके आना पड़ा, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा था, जो मणिपुर का जो दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ है उससे आपकी सरकार को खतरा था, प्रधानमंत्री जी को खतरा था। भारतीय जनता पार्टी से वही महिलाएं नाराज हैं जो कांग्रेस में हैं, लेकिन हमारा उन बहनों और माताओं से भी कांग्रेस की महिलाएं ही जनता का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी दुर्व्यवहार के साथ हुआ, जो लाठी चार्ज उनके ऊपर हुआ, है बाहर बाहर के विदेश में भी जो है आपके आपके कृतियों का जो है कारनामा सब सारी पूरे मीडिया के थ्रू बाहर भी गया है कि जिस तरह से हमारी महिला खिलाड़ी जो है जंतर मंतर में बैठी है, वही उनका कृपया बताइए ना महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बावजूद मणिपुर में किया गया महिलाओं के साथ में, और आप कहते हैं कि सुरक्षित है आपके महिलाएं, बिल्कुल सारी राष्ट्र की महिलाएं आपके नाराज है क्योंकि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, आप जो है कानून व्यवस्था से लगाम लगा पा रहे हैं और ना ही आप नारी शक्ति को सम्मान दे पा रहे हैं और ना ही सुरक्षा दे पा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की महिलाएं नहीं पूरे पूरे राष्ट्र की महिलाएं आपके तरफ है, इसमें जो है इसीलिए इसी जल की वजह से प्रधानमंत्री जी को जो है ये भी आरक्षण देना पड़ा क्योंकि उन्हें मालूम था। एक मिनट मैं हेमा जी के पास जाना चाहूंगा, अब वक्त हेमा जी का है। हेमा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि दावे बीजेपी भी कर रही है और दावे कांग्रेस भी कर रही है, प्लीज अगर हेमा जी को स्क्रीन पर ला पाए। जी हेमा जी, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति कांग्रेस या बीजेपी किसे मौका देगी? देखिए तिलक जी, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी और जो राज्य गठन के जो समय में महिलाओं का जिस तरह से उत्तराखंड बनाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उसमें समाज में आज भी 50% उनके जो परिश्रम, उनका जो बलिदान है, उसका जो संघर्ष है, उसका उचित परिणाम नहीं मिल पाया है। आज भी कई राज्य आंदोलनकारी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, उनको उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और कई महिलाएं तो स्वर्ग सिधार गई हैं अपना संघर्ष करते करते। तो महिलाओं को लेकर केंद्र में बैठी सरकार और राज्य की सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन धरातल पर जीरो है। धरातल पर अगर आप बात करें सरकारी आंकड़ों की तो वो कुछ भी दिखाते रहे, और आपके चैनल के माध्यम से तो मुझे बहुत सारी अभी योजनाएं हैं जिनका मुझे पता भी नहीं था, आपने बता दिया क्योंकि लोगों तक तो है नहीं, वो योजनाएं तो हवा हवा ही है, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानने को मिला कि ये योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना चल रही है ये बड़े बड़े वादे करते हैं। आज तक ये अंकिता हत्याकांड में अगर अंकिता का भंडारी का परिवार
दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनको न्याय नहीं मिला। तो ये तो पता चलता है कि इनका भाजपा की सरकार में किस तरह से, अभी देखो अभी की बात है कि भाजपा के प्रवक्ता ने अभी बैठ के बोला, मैंने उनके शब्दों को सुना कि वो कांग्रेस की महिलाएं होंगी। महिलाएं तो महिलाएं होती है, वो आम आदमी पार्टी की महिलाएं हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की महिलाएं हो, महिलाओं की तो सभी की बात चल रही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे सरकार कर रही है। अरे जो ये योजनाएं ये योजनाओं की जो घोषणा करते हैं, कहाँ तक वो अंतिम पायदान तक पहुँच पा रही है, कौन उसका लाभ उठा पा रहा है? हेमा जी, लगातार आपकी बात पूरी हो जाए तो मैं एक बार सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं समझा नहीं पाया आपको सवाल। मेरा सवाल ये था कि उत्तराखंड की महिलाएं बीजेपी या कांग्रेस किसे मौका देंगी, क्या लगता है आपको? देखिए महिलाओं के प्रति किसकी सोच क्या दर्शाती है, ये तो सब उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है कि इनके जो नेताएं हैं उनसे अपनी बहनों को बचाना, अपनी बेटियों को बचाना कितना मुश्किल हो गया है। मैं तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, उत्तराखंड की महिलाएं बीजेपी या कांग्रेस किसको मौका देंगी, मेरा सवाल शायद समझ में आया आपको। देखिए बीजेपी को तो बिल्कुल गायब ही कर देना चाहिए, बीजेपी को तो भूल जाओ। जिस तरह से आज हम जो है लगातार अपनी बेटियों को बचाने में बिल्कुल ऐसा है कि कांग्रेस को, उत्तराखंड की महिलाएं कांग्रेस को वोट करेंगी। बात कांग्रेस की नहीं है, ये तो महिलाएं तय करेंगी कि कौन उनके लिए नहीं तय तो महिलाएं करेंगी। यानी आपको तो लग रहा है ना कि उत्तराखंड की महिला कांग्रेस का साथ देंगी। जहाँ पर आम आदमी की सरकार है वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको बता दूं। हेमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरे सवाल को समझिए। मैं कह रहा हूँ आप यही कह रही ना कि उत्तराखंड में कांग्रेस को ही महिलाएं मौका देंगी। मैं ये कह रही हूँ तिलक जी, मैंने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस को ही मौका देंगी। फिर एक तो आप कह रहे बीजेपी को भी नहीं देंगी, फिर किसको देंगी मौका? तो आम आदमी पार्टी मैदान में है तिलक जी, आप हमें तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं भूलता। आप लड़ रहे हैं चुनाव? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? कहाँ से लड़ेंगे? जैसा हमारा 30 नेतृत्व हमें वो देगा बिल्कुल लड़ेंगे। हेमा जी कहाँ से लड़ोगे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए जैसे ही गठबंधन में जो भी कुछ आएगा, जो सीटें हम लड़ेंगे उसमें हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो लड़ोगे दमखम के साथ जैसे उत्तराखंड में लड़ा आपने, लेकिन कहाँ से लड़ोगे मैं ये पूछ रहा हूँ। कुछ है कहीं से प्रत्याशी है कोई? वो तो बिल्कुल 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 वो तो वक्त आने तक तिलक जी बताया जाएगा कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी योजनाओं के साथ में अपने जो हमारी रही है उसी के साथ में चुनाव मैदान में आएंगे और वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम हवा हवाई वादे नहीं करते हैं। नहीं आप तो बिल्कुल ही नहीं करते, मैं तभी पूछ रहा हूँ उत्तराखंड में मतलब चुनाव लड़ोगे आप? एक तरफ आप ये देखिए ना, एक तरफ ये बात कहते हैं कि इनके रिसोर्ट बन रहे हैं, मजा हेमा जी क्यों घुमा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि आप लड़ोगे ना चुनाव, बात खत्म करो आप। तिलक जी हमने बोला है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कहाँ लड़ोगे मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, वो समय आने पे बता दिया जाएगा। नहीं समय तो आप क्या, आप 2024 के बाद क्या करोगे? बिल्कुल समय आने पे, अभी चल रही है बात, अभी जैसे ही समय आएगा हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ से लड़ रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो हरिद्वार से दावेदारी है आप लोगों की? आम आदमी पार्टी मैदान में है। कहाँ है? दिखाई दे जाएगी आपको। आपकी पार्टी का कार्यालय भी नहीं है कह रहे हैं? नहीं मुस्कुराइए मत, ये बहुत गंभीर विषय। जिस पार्टी का कार्यालय ना हो तो फिर वो ना प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय। देहरादून में हमारा कार्यालय कहाँ पर है? प्रदेश कार्यालय हमारा देहरादून में। नहीं प्रदेश कहाँ पर है? विस्मयपुर से थोड़ा सा आगे जाके उधर LIC बिल्डिंग के सामने। नहीं वो लगातार बना हुआ है। नहीं नहीं वो वहाँ तो वहाँ खाली कर दिया गया। नहीं नहीं वो जहाँ से खाली किया है, जहाँ शिफ्ट किया है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा नया वाला ले लिया आपने? जी जी बिल्कुल। अच्छा प्रदेश कार्यालय है मतलब? हाँ ठीक, बिल्कुल, ओके बिल्कुल है। ओके ओके यानी प्रदेश कार्यालय, ओके। सुनीता जी फिर मैं कुंवर साहब का, क्योंकि फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं दोबारा जोड़ूंगा उनको। एक बात आपसे जानना चाह रहे थे, ये मातृशक्ति वाला जो मसला है, ये एकाएक क्या हुआ कि उत्तराखंड में महिलाएं आपको अगर वोट देती तो सत्ता में आप होते, क्या ऐसा हुआ कि उत्तराखंड की महिलाओं ने आपको वोट देना बंद कर दिया, क्या हुआ ऐसा? देखिए ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने वोट देना बंद कर दिया तिलक जी, ये कहना तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। जैसे मैंने आपसे कहा था कि तुरंत कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है आपके आपके सवाल के जवाब में कि अगर ये मुफ्ती यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठाते तो ये सत्ता कभी सत्ता नहीं आएगी, नहीं आ पाते। क्योंकि इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया और रात के राज जो है जो लोगों का मन बदल गया। आजकल कोई जिन्ना जिन्ना कर रहा है तो वो भी भाजपा ही कर रहे हैं क्या? नहीं 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 ऐसा नहीं है कि जिन्ना जिन्ना कर रहा है, वो उन्होंने किस परिवेश में कहा, हम तो प्रवक्ता है, वो तो आप हरीश रावत से पूछिए, आप
अब हरिशाह से पूछे कि उन्होंने क्यों किया था, अब हमें हम तो हमारी मेरी बात भी नहीं हुई थी कि मैं आपसे कह सकूं कि उन्होंने क्यों। अच्छा तो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो आप, फिर सावरकर और जिन्ना की बात करने लगे, वो तो मुझे नहीं मालूम कि क्या करेगी जनता, लेकिन हाँ ये सत्य है कि अगर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो लोगों को जनता को गुमराह ना करते, उसका प्रचार प्रसार ना करते, तो सत्ता में भाजपा कभी नहीं आती, कांग्रेस ही सरकार माने नहीं। हेमा जी मुस्कुरा रही, हेमा जी आप जायज मानते हैं इसे सावरकर और जिन्ना वाली बात को? आपको लगता है कि हरीश रावत सेल्फ गोल कर रहे हैं इस मसले पर? देखिए सभी को, सभी लोग अपनी अपनी स्टैंड लगाते हैं, चुनाव का समय है, अब भाजपा वाले क्या मुद्दा लेके आते हैं एकदम से, इनके पास तो होता ही है ना। नहीं हेमा जी ऐसा क्या हो रहा है कि मैं आपको सवाल नहीं समझा पा रहा हूँ? मैंने कहा हरीश रावत ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया इस मसले को लेकर, सावरकर की बात, जिन्ना की बात, आपको अच्छी लगी ये बात सुनकर? ये तो हरीश रावत जी जाने की वो क्या करना चाहते हैं, आपके नेता नहीं है उत्तराखंड में वो? नहीं उत्तराखंड में है वो, कांग्रेस के नेता है। नहीं आपके तो वो जान सकते हैं ना, अलायंस के बड़े चेयर हैं तभी कह रहा हूँ, आपके भी तो नेता हुए ना। कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं क्या बोलते हैं? आपके भी तो नेता हुए, मैं कह रहा हूँ आपके नेता नहीं है वो? नहीं हमारे नेता क्यों होते? अच्छा ठीक है आपके नेता नहीं, ओके फिर बात ही खत्म। सुनीता जी आप वो मत करिएगा, वो कह रहे हैं हमारे नेता नहीं है, वो कांग्रेस वालों के हैं। ठीक कुंवर साहब, मसला महिलाओं का था। कुंवर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कुंवर साहब फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, अब प्लीज कनेक्ट करिएगा, क्योंकि ये महिला वोट बैंक का मसला था। अब किसी ने लाइव में कमेंट कर दिया, मैं इस मुद्दे को लाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि सुनीता जी इस मुद्दे को लेकर आऊंगा तो नाराज हो जाएंगी। इस बार महिलाओं को कितनी भागीदारी कुछ उम्मीद करें? 5 में से कम एक प्रत्याशी तो महिला उतार सकते हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ आप तो चाहते हैं, आप देखिए चाहती तो प्रियंका जी भी थी है ना, देखिए कि महिला वो जो था लड़की लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी भी चाहती थी ना, तो नहीं हो पाया। चाहना एक अलग विषय, देना टिकट अलग विषय, तो इस बार एक महिला तो कम से कम होगी। यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहती हूँ तिलक जी, राजनीति से उठकर के बात करना चाहती हूँ कि फिर हर पार्टी को महिलाओं को तो सम्मान देना ही चाहिए, एक सीट क्यों बराबर की हकदारी इनको है, जब बराबर का हकदारी है तो वोट और सीट में क्यों सीट नहीं क्यों तो पीछे रखा जाए, हर पार्टी को चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आपकी बात से सहमत हूं, होना ही चाहिए। सुनीता जी आप उदाहरण के तौर पर मेरा पोस्ट मेरा रहेगी, कोशिश रहेगी। उदाहरण के तौर पर आपने एक तरफ यूपी में नारा दिया, एक मिनट आपने नारा दिया, हेमा जी गलत होगा तो करेक्ट करिएगा, ये कह रहे थे लड़की हूं लड़ सकती हूं, बहुत अच्छा नारा था। उत्तर प्रदेश में ये नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फॉर्मूला लागू नहीं होता, मेरी बात को समझिएगा अन्यथा मत लीजिएगा। और ऊपर से जहां आप नारा दे रहे थे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में महिलाओं के टिकट काट रहे थे, और फिर आप कहते हो लड़की लड़ सकती हूं, और फिर कह रहे हो हमें भी वोट देगी जनता, ये समझ में नहीं आया। नहीं देगी सर, जरूर देगी तिलक जी, मैं तो कह रहा हूँ किसने काटा था, राजनीति से उठ करके राजनीति से बात कर रही हूँ कि हर पार्टी को चाहे मेरी कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, महिला महिला को साधना का टिकट किसने काटा था सुनीता जी? मिलना ही चाहिए, मैं तो नहीं काटा तिलक जी, प्लीज आपको पता है तो आप ही दे दीजिए, लेकिन चलिए ठीक है ओके। लाल कुआ में किसी ने उनका टिकट नहीं काटा था संध्या जी का, महिलाओं के टिकट लाल कुआ में किसी ने नहीं काटा था, ओके मैं मान गया, ओके उठाने का काम करूंगी, ओके ओके। संध्या जी का लाल कुआ में किसी ने टिकट नहीं काटा था, ओके, और ना ही कोई वहां पर टिकट काट के चुनाव लड़ा था, ठीक मैं आपकी बात सहमत हूँ। कुंवर साहब महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आप कह रहे हो कि महिलाएं आपको वोट करेंगी, इस बार भी करेंगी और छप्पर फार वोट मिलेगा आपको क्योंकि आपने महिलाओं के सम्मान में बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड का कलंक धोलेंगे? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की बेटी के हत्यारे आज जेल के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार का स्टैंड है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है कि हत्यारों को उनके मुकाम, यानी आप कह रहे हो अंकिता को न्याय मिल गया? भारतीय अगर अगर उनका न्याय दिया तो उनके माता पिता क्यों सबसे पहले? सुनीता जी प्लीज आपके बीच में कोई गुहार कर रही है, सुनीता जी एक मिनट, अंकिता को न्याय मिल गया? और जब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड के हत्यारे के मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, उनके परिवार की न्याय मिल गया नहीं हो जाती, तो
तो ये न्याय देना भारतीय जनता पार्टी जनता उत्तराखंड की न्याय की मांग कर रही है और आप कह रहे हैं उनको न्याय मिल गया है कुछ तो कम से कम यहाँ पे बैठ करके आप एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी होने का कार्य कीजिए ना कि आप पार्टी का बचाने का काम करते रहेंगे। आप जो है एक अपना परिचय अच्छे इंसान होने का परिचय दीजिए जितेंद्र जी। आप वीआईपी का नाम बताइए ना, कौन है वो वीआईपी जो अभी तक आप नहीं आया है? आपने क्यों अपने दोस्त किया एक मिनट कुंवर साहब, आपने कहा हमने न्याय दिलाने का काम किया अंकिता को, यही कहा ना आपने अंकिता को? नहीं, एक मिनट, न्याय की प्रक्रिया जारी है। एक मिनट कुंवर साहब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर। डिबेट तो नहीं छोड़ेंगे ना, वैसे छोड़ते नहीं, मैं जानता हूँ। सवाल पूछो, मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा कि अंकिता के न्याय के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड शायद पिछले साल सितंबर का ही वाक्य था, ठीक जी? यानी साल भर से ऊपर हो गया जी। आपकी डबल इंजन की सरकार, ये वीआईपी कौन है? एक साल से इस प्रश्न का उत्तर मिला तिलक जी, कौन है? एक साल से वीआईपी 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 की बात करके कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे राजनीतिकरण करने की यानी कोई वीआईपी नहीं था कर रहे हैं, यानी कोई वीआईपी नहीं था। आप इससे पूछिए, ये हमें वीआईपी का नाम बता दें। आप उसे आपकी जांच एजेंसी है सर, या तो आप बोलिए कोई वीआईपी था ही नहीं। आपने जो है सबको आपने ध्वस्त क्यों किया? आपने बुलडोजर क्यों चलाया? आपने एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट प्लीज। यानी आप ये कह रहे कोई वीआईपी नहीं था? अंकिता ने किसका नाम लिखा था वीआईपी होने का? अंकिता भी झूठ बोल रही थी। अंकिता भंडारी जो हमारी उत्तराखंड की बेटी के द्वारा जितने उसमें आरोपित थे जो चैट में पकड़े गए सर, मैंने आपसे पूछा वीआईपी कौन, आपने कहा ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अंकिता भी राजनीतिक मुद्दा बना रही थी लाखों के पीछे। अगर कोई वीआईपी है तो बताए, मीडिया तो मीडिया बता दे सर। हमारे पास कौन सी जांच एजेंसी है? जांच एजेंसी आपके पास है? एजेंसियां काम कर रही हैं। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, एक साल में आप पता नहीं लगा पाए कि वीआईपी कौन है? जेल में कुंवर साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप ही ने तो कहा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, जेल में तो वीआईपी कौन है? कैसे हुई ये बताइए आप मुझे। निश्चित तौर पर अगर उनके पास कोई प्रमाण है और कोई नाम है तो सर, या तो आप ऑफिशियली बोलिए ना कि कोई वीआईपी है नहीं। ओके सुनीता जी, आपका प्रश्न आ गया ना, एक मिनट सुनीता जी, आपका प्रश्न आ गया। सुनीता जी ऐसे नहीं, एक मिनट, हेमा जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए भाजपा केवल हवा हवाई बातें करती है और ये सिर्फ जो रिजॉर्ट बना रहे हैं अवैध जो निर्माण कर रहे हैं उनको तो ये बढ़ावा देते हैं, वहीं अगर कोई घसियारी घास काटती है तो उसके साथ कैसा ये वन विभाग वाले करते हैं और ये सरकार जो आंख बंद करके बैठ जाती है। तो जो योजनाएं जो ला रहे हैं ना हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी, महिला तो वो योजनाएं केवल हवा हवाई साबित होंगी, क्योंकि आज भी वो जन जन तक तो पहुंचेंगी। हेमा जी का दावा है कि हरिद्वार से वो चुनाव लड़ने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की और महिलाएं उनका साथ देंगी। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं किसका साथ देती हैं और किसका इस बार जो है कल्याण होगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी, सुनीता जी आपका भी और हेमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारी शक्ति को लेकर हर कोई प्लान बना रहा है, लेकिन इस बार उत्तराखंड की महिलाएं किसके साथ, ये एक यक्ष प्रश्न। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।